हाय एवरीवन, मैं हूं कविता एंड वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा लहंगा स्कर्ट के ऊपर में एक अनदर वीडियो है। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो डाली हुई है लहंगा स्कर्ट के ऊपर में। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस बार वीडियो डालने में मुझे काफ़ी लेट हो गया है तो सॉरी उसके लिए, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो लहंगा स्कर्ट है हमारा, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाया इसको और मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है तो आप देख सकते हैं, इस पर मैंने फ्रिल का जो स्टाइल है वो किया हुआ है। और ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी फ्रिल डालेंगे। तो चलिए बात करते हैं फैब्रिक के बारे में। इसमें मैंने टफेटा यूज़ किया है और ये नेट फैब्रिक यूज़ किया है मैंने। इसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से है। टफेटा मैंने यूज़ किया है इसमें और ये दोनों फैब्रिक मैंने 5-5 मीटर यूज़ किया है और ये नेट मैंने यूज़ किया है फ्रिल के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके मेज़रमेंट को। मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से है। जो हमारा फुल लेंथ है वो 42 इंच रहेगा, तो उसमें से 36.5 इंच हमारा ऊपर का लेयर होगा और उसके नीचे जो मैं फ्रिल लगाऊंगी वो 4 इंच का होगा और बेल्ट जो होगी वो 1.5 इंच होगी चौड़ी। तो उसके बाद हम लोग वेस्ट को देख लेंगे। वेस्ट हमारा 27 इंचेस होगा और बेल्ट हम लोग को रेडी करना है 27 इंचेस। सबसे पहले हम लोग लाइनिंग कट करेंगे, तो उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। 4 पार्ट होगा इसका, इस तरीके से दिखेगा। और बंद वाला पार्ट अपने तरफ रखेंगे हम लोग और एक तरफ इसका 4 पार्ट जो होगा वो खुला होगा और दूसरी तरफ हम लोग उस तरफ से लेंगे जिस तरफ ये पूरा बंद है। और इस तरीके से लेने के बाद में ट्रायंगल बनाते हुए यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। 4 इंच इसलिए क्योंकि हमारा जो वेस्ट है वो 26 है, तो 4 इंच से थोड़ा कम ही लेंगे, थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा। और ये रेडी हमें 27 चाहिए। यहाँ से मैंने 41 पे मार्क किया है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है, आपको एक्स्ट्रा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप टोटल 37 ही लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कपड़ा कम है, तो इस तरीके से रख के हम लोग इसको भी कट कर लेंगे फिर से इस तरीके से मेज़र करके 41 इंचेस पे। मुझे लगा कि फ्रिल में ये नीचे से लाइनिंग दिखेगा तो कैसा लगेगा, इसकी वजह से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था। तो ये कुछ इस तरीके से जॉइंट होगा, बाद में मैं इसे कट कर दूँगी। और ये हम लोग नेट को भी इस तरीके से 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे पहले, और सेम इसी तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं कि नेट में हमारा प्लेन नेट है, तो प्लेन नेट को साइड में रखते हुए ही हम लोग कपड़े को बिछाएंगे। और फिर हम लोग यहाँ से भी 4 से थोड़ा सा कम पे मार्क कर लेंगे वेस्ट के लिए, जो हमें 27 चाहिए और थोड़ा सा सिलाई के लिए रखना है एक्स्ट्रा। इस तरीके से एक थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए नीचे हम लोग 37 पे मार्क करेंगे। एग्जैक्ट 37 पे हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 36.5 इंच हमारा बचेगा रेडी, जैसा कि मेजरमेंट में बताया हुआ है। इस तरीके से कट करना है, बस जॉइंट वाला जो पार्ट है वो कट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। फ्रिल के लिए थोड़ा सा मैं इसे ट्रिम कर देती हूँ और बस लंबा लंबा इसको काटना है। ये मैंने 4.5 इंचेस लिया है चौड़ा। नेट मैंने टोटल 2 मीटर यूज़ किया है इस लहंगे के लिए। और बेल्ट के लिए हम लोग इस तरीके से 5 इंच चौड़ा और 28 इंच लंबा हम लोग को चाहिए, तो मैंने डबल करके इसको कट किया है। ये 13 इंच है और 2-2, 4 इंच, मतलब डबल करके मैं 2 इंच और एक्स्ट्रा कट करूँगी क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया है। तो ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग इसको नेट के ऊपर रखेंगे और नेट को भी कट कर लेंगे क्योंकि ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो बेल्ट के लिए जो है इसमें हम लोग बकरम भी यूज़ करेंगे जो कि 1.5 इंच चौड़ा होगा। तो इस तरीके से मैंने नीचे जॉइंट कर लिया है और ऊपर में भी जॉइंट कर लिया है दोनों के कमर को, लाइनिंग और हमारा जो नेट फैब्रिक था दोनों को एक साथ करके जस्ट एक सिलाई लगा ली है। और अब हम लोग इसके ऊपर में दूसरे पार्ट को रखेंगे सेम उसी तरीके से जॉइंट करके। अब हम लोग नेट को सबसे पहले जॉइंट कर लेंगे बिल्कुल ऊपर से, हाफ इंच लेते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, मैं अलग अलग ही करूँगी। और फिर इस तरीके से 1 इंच लाइनिंग को रखते हुए सिलाई लगानी है, नेट को हल्का अंदर करना है
और सेम इसी तरीके से इस तरफ भी हम लोग सिलाई लगा लेंगे करीब 7 इंच पे, और यहाँ पे एक लॉक सिलाई लगाते हुए फिर से हम लोग नेट को सिल लेंगे, और उसके बाद में हम लोग लाइनिंग को सिलेंगे नेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ डालते हुए, क्योंकि हमें अलग अलग चाहिए दोनों चीज़। तो हमने ये रेडी कर लिया है, अब हम लोग इसके ऊपर में चेन अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप 1 इंच के आसपास में मार्क कर सकते हैं चौड़ाई में, या फिर आप अंदाज से भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक इनविजिबल चेन यूज़ किया है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होता है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो हमें एक पार्ट को इसके ऊपर रखना है और जस्ट इसके पास में जितना पास आप लगाएंगे फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। बस मैंने जॉइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हम लोग दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलेंगे, आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो सेम इसी तरीके से हमें रखना है दूसरी तरफ भी, आप सीधा उल्टा थोड़ा देखकर ध्यान से इसको आराम से सिल सकते हैं। तो ये मैंने सिल लिया है, अब आराम आराम से इसको चेन को ऊपर की तरफ खींचना है, बहुत ही आराम से। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, आप जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा लुक देता है ये। बेल्ट भी रेडी हो गया है, बेल्ट मैंने डिटेल्स में नहीं बताई है क्योंकि बाकी के 3 वीडियो में मैंने बेल्ट के लिए बताया हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसको पूरा डिटेल्स है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा खोल लेंगे बेल्ट को हल्का सा, और यहाँ पे कमर के साथ में जस्ट अटैच करेंगे, 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे पूरे में, और इसके बाद हम लोग 1/2 इंच को ऊपर की तरफ अंदर डालते हुए हम लोग ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे जो इसको बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देगा। आप देख पाएंगे बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है बहुत आराम से, और आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हम लोग नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से सिल लेंगे, पूरे पार्ट को बिल्कुल 1/2 इंच के आसपास में, और ये हमारा नेट है। अब हम लोग फ्रिल बनाएंगे इस तरीके से, बॉक्स प्लीट में बनाऊंगी, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं नेट पे। इस तरीके से बॉक्स प्लीट के लिए हमें ये वाला तरीका करना होगा, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी डिज़ाइन बना करके नीचे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पहले मैं सिल लूँगी, मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं लगाऊँगी, मैं पहले फ्रिल रेडी कर लूँगी और उसके बाद में जस्ट इसको नेट के साथ में जो हमारा ऊपर का लेयर है उसके साथ में इसको सिल लेंगे बहुत आराम से। इस तरीके से आराम आराम से ही बनाना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया है। नीचे जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था 41 इंच, वो मैंने ट्रिम कर दिया था, मैंने उसको भी 37 कर दिया था क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फ्रिल के अंदर से जो उसका अस्तर दिख रहा था वो अच्छा लुक नहीं दे रहा था इसको, तो मैंने उसको ट्रिम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लुक दे रहा है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।